लर्नर्स, वेलकम टू इडियोलॉजी। और आज इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट टू। पार्ट वन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट सेकंड में हम स्टार्ट करेंगे आपकी जितनी भी प्रोसेसेस हैं, जैसे कि आपका रेप्लिकेशन हो गया। ओके, रेप्लिकेशन की प्रोसेस को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन। तो इन तीन प्रोसेस को आज के सेशन में हमें कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे पार्ट वन में हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं बेसिक चीजें, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सबसे पहले उसे जाके देखिए, ठीक है, अच्छी तरीके से, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी, राइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट सेकंड विद रेप्लिकेशन। या उससे पहले हमें एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना है, जो कि सेल्सन और स्केल का एक्सपेरिमेंट है। तो यहां तक हमने ये पढ़ा था कि हर्शी और चेज ने, दोनों ने एक अनइक्विवोकल प्रूफ दिया कि डीएनए होता है आपका जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है वो आपका डीएनए है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, आपका वॉटसन और क्रिक आए, ओके, वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने बोला कि जो डीएनए है ना, ये सेमी कंजर्वेटिव होता है नेचर में। सेमी कंजर्वेटिव नेचर में मतलब यहाँ पे डीएनए के अंदर आपको दो स्टैंड्स देखने के लिए मिलते हैं, एक नंबर वन, एक नंबर टू। तो ये दोनों स्टैंड्स क्या करते हैं, अपना अपना पार्टिसिपेशन देते हैं डीएनए के बनने में, यानी कि एक स्टैंड वन वाले स्टैंड से एक नए स्टैंड का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, वन डैश स्टैंड। लेकिन इसमें पार्टिसिपेशन सिर्फ एक ने दिया। दूसरा जो स्टैंड है हमारा सेकेंड स्टैंड, इससे एक और न्यू स्टैंड बनेगा डीएनए का, जिसे हम बोलेंगे टू डैश स्टैंड, ठीक। तो यहाँ पे एक डीएनए के मॉलिक्यूल से आपके दो डीएनए के मॉलिक्यूल बनके तैयार हो गए, कितने, एक डीएनए के मॉलिक्यूल से, ठीक। तो यहाँ पे एक डीएनए से दो डीएनए के मॉलिक्यूल बने, और इस और हर एक आपके स्टैंड ने, जो डीएनए का स्टैंड था, उसने वर्क करा एज अ टेम्पलेट, और आप बोल सकते हो एज अ पेरेंटल स्टैंड, और एक न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड का फॉर्मेशन करा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, ठीक है। और ये किसने बोला, वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। तो उन्होंने बस इतनी चीज समझानी थी, बहुत अच्छी तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाई इन्होंने, बोला कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर है डीएनए का, ठीक। अब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट ये इन्होंने तो बोल दिया कि जब भी कोई लाइक रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, तो रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए बनता है उसमें एक तो आपका पेरेंटल स्टैंड होता है, ठीक है, और दूसरा वाला न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड होता है। बट एग्जैक्टली इस पूरी चीज को, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को, बताया आपके मिसेल्सन और स्टेल ने, मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेल। ये 1958 में आए और इन्होंने अपना बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, और 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। तो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, और ये आया हुआ है 2016 में, और उसके बाद भी आया है, 2014 में भी आया थिंक, ठीक। सो यहाँ पे ये वाली चीज ना, लाइक 1958 में इन दोनों ने दिया मिसेल्सन और स्टेल का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या करा, अपना एक्सपेरिमेंट करा इकोलाई के ऊपर। इकोलाई क्या है, आपका बैक्टीरिया है, या फिर आप बोल सकते हो बैक्टीरियम है, ठीक। एक बैक्टीरिया है विच इज नोन एज इश्चेरिशिया कोलाई, और इश्चेरिशिया कोलाई को इन्होंने ग्रो करवाया एक N15, जो कि हेवी आइसोटोप होता है आपका नाइट्रोजन का। देखो N14 वाला नॉर्मल है, ठीक, लेकिन ये 7N14 जो हम यूजली केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये आपका नॉर्मल वाला है, ठीक। लेकिन हम जब बात करते हैं हेवी की, तो हेवी कौन सा है आपका, N15, ओके, N15 आइसोटोप जो है नाइट्रोजन का, वो काफी ज्यादा हेवी है नेचर में। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने इकोलाई को तो उस पर ग्रो करवाया हैवी वाले मीडियम पे, तो जितनी भी जनरेशन में आपको देखने के लिए क्या मिला, कि दोनों ही जो आपके डीएनए के स्ट्रैंड थे वो N15 के हो गए। दोनों ही जो आपके डीएनए के स्ट्रैंड थे वो N15 के हो गए। अब कुछ जनरेशन ग्रो करवाने के बाद, बहुत सारी जनरेशन ग्रो करवाने के बाद, उन्होंने स्टॉप कर दिया और उन्होंने इसे दूसरे मीडियम पे शिफ्ट कर दिया, वही अपने नॉर्मल मीडियम पे, जिसमें 7N14 था, ठीक है। तो नॉर्मल मीडियम पे इन्होंने शिफ्ट कर दिया, फिर वहां पे ग्रो करवाने लग गए। तो अब इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा, कि सबसे पहले दोनों ही स्ट्रैंड आपके पास कैसे थे, N15 के, ठीक। अब यहां पे क्या हुआ, अलग चीज इन्होंने जो देखी, इन्होंने देखा कि यहाँ पे एक N15 का स्ट्रैंड था, तो इससे एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होने लग गया, जो कि N14 का था, और इससे एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होने लग गया, जो कि N14 का था। तो अब हमारे पास दो डीएनए आ गए,
कैसे, एक तो आ गया N15N14 वाला, ठीक है, और दूसरा भी कैसा आ गया N14N15 वाला। तो एक डीएनए जो कि आपका N15N15 था उससे दो डीएनए बन गए, और इसमें पे देर कितनी लगी, सिर्फ 20 मिनट। तो 20 मिनट्स लगते हैं सिर्फ रेप्लिकेशन होने में इकोलाई के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो बैक्टीरिया के अंदर जो कि इकोलाई वाला है उसके अंदर रेप्लिकेशन होने के लिए सिर्फ 20 मिनट्स लगते हैं, सिर्फ 20 मिनट्स। और ये फिक्स टाइम है, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे दो, एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ, सेम एज ये वाला स्ट्रैंड क्या करेगा, आपका रेप्लिकेशन अंडरगो करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एक जो N15 वाला स्ट्रैंड है इससे एक और आपका न्यू, ये वर्क करेगा एज अ टेम्पलेट या फिर पेरेंटल और N14 का जनरेशन करेगा, और ये भी वर्क करेगा N14 वाला एज अ टेम्पलेट और या फिर पेरेंटल और N14 ये वाले डी, तो एक ये वाला डीएनए बन जाएगा और एक ये वाला डीएनए बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक से आपके दो बन रहे हैं, तो दो है, तो दो से कितने बनेंगे, ऑब्वियसली चार। जब एक डीएनए से आपके दो डीएनए बन रहे हैं तो दो से कितने बनेंगे, चार। इतना मल्टीप्लिकेशन तो हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है, और इसमें टाइमिंग कितना लगेगा, टाइमिंग लगेगा वही आपका 20 मिनट जो कि पहले लगा था, ठीक। तो 20 मिनट टाइमिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें अलग अलग डीएनए तो देखने के लिए मिल रहा है, कोई N14 कोई N15, बट एग्जैक्टली क्या हम किसे रिकॉग्नाइज करते हैं अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो देखो ये जो आपका N15 वाला हमने स्टार्टिंग से देखा, N15 वाला ये सबसे ज्यादा हैवी है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हैवी चेन। तो इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना, इसे बोलते हैं हैवी चेन। और ये आपको जीरो होती है नंबर में, नंबर में कितनी होती है, जीरो, आपको एक भी देखने के लिए नहीं मिलेगी, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको हाइब्रिड या फिर इंटरमीडिएट चेन की, जिसमें आपको सिर्फ एक N15 देखने के लिए मिलता है, एक N15 देखने के लिए मिलता है, इसे हम बोलते हैं हाइब्रिड या फिर इंटरमीडिएट चेन, ओके, सिर्फ एक देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पे हम इसे बोलेंगे हाइब्रिड या फिर इंटरमीडिएट चेन। तो और इसका हमेशा नंबर कितना रहेगा, टू, हमेशा टू की फॉर्म में मिलेंगे, एक ये हो गया एक ये हो गया, चाहे कोई सी भी जनरेशन हो इनका नंबर बिल्कुल सेम रहेगा, टू, नंबर टू देखने के लिए मिलते हैं, ओके। कितने नंबर मिलते हैं, दो हाइब्रिड चेन हमें हमेशा देखने के लिए मिलेंगी, या फिर दो इंटरमीडिएट चेन हमें हमेशा देखने के लिए मिलेंगी, ठीक, किसी भी जनरेशन में, इकोलाई की हम बात कर रहे हैं। अब तो जो एकदम लास्ट वाला है विच इज N14, इसका हमें देखने के लिए मिलता है, ये आपकी लाइट चेन्स है, ओके। और लाइट चेन्स हमें कितनी देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे लाइट चेन्स हमें देखने के लिए मिलती है, लाइक इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, विच इज अगर आप यहाँ देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइट चेन्स इज इक्वल टू 2n-2। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ जनरेशन। तो अगर मुझे ये, हम सेकंड जनरेशन के लिए कर रहे हैं क्वेश्चन, तो अगर मैं सेकंड जनरेशन के लिए करूँ तो एन की वैल्यू 2 आएगी, ओके, नंबर 2, तो माइनस करेंगे 2 से तो आंसर आएगा आपका 2। तो नंबर ऑफ लाइट चेन्स इन सेकंड जनरेशन इज 2। ऑब्वियसली इस डायग्राम को देख के हम बहुत अच्छी तरीके से पता लगा सकते हैं कि दो ही जनरेशन आपको देखने के लिए मिलेंगी लाइट चेन्स की। तो इतनी चीज समझ में आई। देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था बेसिक, इन्होंने N15 पे ग्रो करवाया, फिर N14 पे ग्रो करवाया, N15 पे जब ग्रो करवाया था तो पूरे डीएनए में ना आपका N15 पूरा अच्छी तरीके से बस चुका था। अब यहाँ पे N14 पे जब ग्रो करवाया तो हर एक स्ट्रैंड ने एज अ पेरेंट की तरीके से बिहेव करा, और दूसरा N14 वाला नया स्टैंड इसलिए बनाया क्योंकि सिर्फ N14 पे ही आप ग्रो करवा रहे हैं। आप किस पे ग्रो करवा रहे हैं, सिर्फ N14 पे, तो इसलिए नए वाले जो स्टैंड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे वो N14 वाले ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। और हर 20 मिनट्स बाद इनका रेप्लिकेशन होता है, मतलब हर 20 मिनट्स बाद आपका डीएनए बन के तैयार होंगे, उसकी कॉपीज बन के तैयार होंगी, तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे ये वाली चीज क्लियर हो गई कि हाइब्रिड चेन कौन सी है, इंटरमीडिएट चेन कौन सी है, लाइट कौन सी है, हैवी कौन सी है, ठीक, और कितने नंबर में क्या मिलेगी। हाइब्रिड ऑलवेज 2 देखने के लिए मिलेंगी, नंबर ऑफ लाइट चेन्स वैरी कर सकती है जनरेशन टू जनरेशन, लेकिन आपको जब फॉर्मूला पता है तो टेंशन की कोई बात है ही नहीं, डेफिनेटली। तो एक क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का कर लेते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है, एक्सरसाइज का नहीं है, तो एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में बोल रखे हैं, इफ अ इकोलाई वाज ग्रोन टू फॉर 80 मिनट्स, तो अगर हमने इकोलाई को 80 मिनट्स के लिए ग्रो करवाया तो आपको बताना है लाइट और हाइब्रिड चेन्स की डेंसिटीज, राइट। तो देखो यहाँ पे हम ये जानते हैं कि एक रेप्लिकेशन करने के लिए, एक दूसरी जनरेशन आने के लिए 20 मिनट्स रखते हैं, ठीक है, टोटल 80 मिनट्स है, तो एक हम क्या कर सकते हैं 80/20, तो हमें टोटल जनरेशन पता चल जाएंगी विच इज 4, ओके, 4 नंबर ऑफ टोटल जनरेशन आ गई।
ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ जनरेशन एन की वैल्यू हम पुट कर देंगे लाइट चेन वाली डेंसिटी की पूरे ही आपके फॉर्मूला में 2n-2, तो n की वैल्यू हम जब 4 रखेंगे तो क्या आएगा 16 और माइनस 2 करेंगे तो आएगा 14। तो नंबर ऑफ लाइट चेन जो हमें फोर्थ जनरेशन में देखने के लिए मिलेंगी, फोर्थ जनरेशन में वो कितनी मिलेंगी आपकी 14 चेन्स, ठीक है, 14 लाइन चेन्स। अब आपसे हाइब्रिड भी पूछा है, तो हाइब्रिड आप या फिर आप इंटरमीडिएट कह सकते हो, तो ये हमेशा कितनी रहती है 2, चाहे कोई सी भी आपकी जनरेशन हो, फोर्थ हो, एट्थ हो, नाइन्थ हो, ट्वेंटीथ हो, कोई सी भी जनरेशन हो, आपकी हमेशा कितनी रहेंगी 2 ही रहेंगी नंबर में। अगर यहाँ पे वो हैवी चेन की डेंसिटी भी पूछ लेता तो वो कितनी आती है आपकी 0। सो आई होप आपको क्वेश्चन को आंसर करने का फॉर्मेट पता चल गया हो। डेफिनेटली इसी तरीके से आपका आंसर सॉल्व होगा नीट एंड क्लीन, तो आपको हर एक लाइन से समझ में आ रहा है, एग्जामिनर को जब चेक करेगा वो आपकी कॉपी के एग्जैक्टली बच्चे ने कैसे सॉल्व करा है। अगर यही क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव में आता है तो जिस तरीके से आप चाहे उसे सॉल्व करें, रफ में, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में, लेकिन डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका टेलर का एक्सपेरिमेंट। देखो जैसे मिसेल्सन और स्टेल ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए पे, ऐसे ही टेलर ने अपना एक्सपेरिमेंट करा। सेम ईयर सेम कंडीशन, लाइक 1958 में टेलर और उसके कलीग्स ने मिले और उन्होंने डिटेक्ट करा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। बट यहाँ पे जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करा था वो यूज करा था उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, और ये पूरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा था विसिया फैबा या फिर फैबा बीन्स। अगर हम बात करें ये किस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो 2017 का जो सेकेंड पार्ट है इसका क्वेश्चन है ये आपके नीट का। ओके, तो इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विसिया फैबा पे या फिर फैबा बीन्स पे टेलर और उसके कलीग ने स्टडी करी थी ऑन रेडियो बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। इतना क्वेश्चन इनफ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक 2015 में सीबीएसई बोर्ड्स में भी आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं रेप्लिकेशन की, रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसे होती है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, डीएनए जब अपनी खुद की कॉपीज बनाता है उसे हम बोलते हैं उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए इज दैट इट कैन मेक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ, जो कि खुद की कॉपीज खुद से बनाता है उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब कुछ भी चीज हम बनाते हैं, जैसे मैगी भी बनाए या फिर कुछ भी चीज बनाया हम घर में, तो हमें उसके कुछ मटेरियल्स तो चाहिए ना, कुछ इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए। तो कोई भी चीज बनाने के लिए, कोई भी प्रोसेस करने के लिए हमें कुछ चीज चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम रेप्लिकेशन की जब हम प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डीएनए, क्योंकि हमें डीएनए से डीएनए बनाना है। अगर हमारे पास डीएनए नहीं होगा तो हम एग्जैक्टली रेप्लिकेशन की प्रोसेस में क्या करेंगे, राइट। तो डीएनए से डीएनए बनाना है तो डीएनए की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, डीएनए चाहिए चाहिए। उसके बाद चाहिए हमें एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आई रिपीट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। एक चीज का बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना, इट इज डीएनए पॉलीमरेज, राइट। डीएनए पे जो डिपेंड करके डीएनए पॉलीमरेज वाला एंजाइम है ये। फिर हमें चाहिए आपका थर्ड डीएनए लाइगेज, ये वर्क करती है फेविकॉल। तो जब भी याद आए फेविकॉल की आपकी बायोलॉजी के अंदर, तो डीएनए लाइगेज हमेशा याद रखना। फिर आएगा आपका आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या करता है, लाइक पूरा कैटेलाइज करता है, ठीक। कैसे वर्क करता है वो अच्छी तरीके से देखेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है, विच इज 5:3 डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में फिक्स डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी, ओके, 5:3 डायरेक्शन। उसके बाद आपका ORI, विच इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसकी फुल फॉर्म अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, O से ओरिजिन, O और RI इट इज फॉर रेप्लिकेशन, ठीक। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ऐसी जगह है, एक ऐसी पोजीशन है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है सेल के अंदर। तो सेल के अंदर कोई सा भी आप सेल मान लो, ठीक है, अगर मैंने बोला कि इसकी इस पोजीशन से यहाँ पे ORI है, तो यहीं पे आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा डीएनए का, ठीक। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। 5 चीजें मैंने आपको बताई, डीएनए, डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, आरएनए प्राइमर और ORI, ये रिक्वायरमेंट थी आपकी रेप्लिकेशन की प्रोसेस की। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो कि एक तरीके का एंजाइम है और कैटेलाइज करता है पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनए के पूरे पॉलीमराइजेशन को कैटेलाइज करता है। अब इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा हाई है, ऑब्वियसली बहुत कम टाइम में बहुत सारा ये पॉलीमराइजेशन करता है, मतलब बिल्कुल जस्ट अपोजिट उसकी कॉपी बनानी है और बहुत कम टाइम में। अगर मैं बात करूं आपके ह्यूमन के डीएनए की, तो ह्यूमन के अंदर आपको पता है कितना, लाइक 2.2 मीटर लॉन्ग आपको देखने के लिए मिलता है डीएनए। तो सोचो इतना लंबा साइज है डीएनए का और कुछ
मिनट्स में, कुछ टाइम पीरियड में ही इसे पूरा इतनी अच्छी तरीके से पूरी कॉपी बनानी है। तो ऑब्वियसली ये जो एंजाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई है। एक एग्जांपल हम बैक्टीरिया का भी ले लेते हैं, विच इज इकोलाई का बैक्टीरिया, विच इज इस्टरिशिया कोलाई। इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं 4.6×10^6 बेस पेयर। आई होप अभी तक आपको याद हो गया होगा, फर्स्ट सेशन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन की प्रोसेस होने में 38 मिनट्स लगते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी पेजेस, राइट? अकॉर्डिंग टू लाइक ओल्ड एनसीईआरटी कंटेंट के हिसाब से 38 मिनट्स आपकी एनसीईआरटी में मेंशन था। अब अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड 18 मिनट कन्वर्ट हो चुका होगा। एक्चुअली क्या था, पहले पुरानी वाली एनसीईआरटी में गलत चीज मेंशन थी, विच इज 38 मिनट्स रेप्लिकेशन का टाइम फॉर इकोलाई। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इकोलाई के रेप्लिकेशन में सिर्फ 18 मिनट्स लगते हैं और जो 20 मिनट्स का टाइम है वो सेपरेशन में चला जाता है सेल के। लेकिन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में सिर्फ कितने लगते हैं आपका, 18 मिनट्स। ठीक, कितना, सिर्फ 18 मिनट्स। हाउएवर सेपरेशन ऑफ सेपरेशंस ऑफ सेल में आपका 20 मिनट्स चले जाते हैं, तो इसलिए टोटल बताते थे कि रेप्लिकेशन में 38 मिनट्स लगते हैं। ओके, ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो आपको देखने के लिए मिल रहा है 18 मिनट्स, ये अच्छी तरीके से आप कर लेना, आप चेंज हो गया आपकी एनसीईआरटी में। तो ये सारी चीजें कौन करवा रहा है आपका, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, डिपेंड किस पे कर रहा है, डीएनए पे। इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी बहुत हाई होती है। देखो इससे ना कोई भी गलती नहीं हो सकती, अगर गलती हुई इस एंजाइम से तो वो म्यूटेशन कॉज कर देगी। म्यूटेशन मतलब कुछ भी हो सकता है फिर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, अगर उस ऑर्गेनिज्म में इस एंजाइम ने कुछ भी अगर अच्छी तरीके से वर्क नहीं करा। ओके, तो यहाँ पे जो आपका डीएनए है ना वो दो तरीके से वर्क करता है, एक तो आपका सबस्ट्रेट की तरीके से, ठीक, और एक हो गया आपका एंजाइम की तरीके से, सॉरी एनर्जी की तरीके से। एनर्जी प्रोवाइड करवाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का क्या फुल फॉर्म होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एडिनोसिन मैं लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से स्पेलिंग याद रह जाए, ट्राइफॉस्फेट। और इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। जैसे हमारे पास मनी हमारी करेंसी है, ठीक है, हम कुछ भी चीज ले सकते हैं उससे, परचेज कर सकते हैं, ऐसे ही ना आपकी जो एनर्जी की करेंसी है आपके मॉलिक्यूल्स के लिए, एनर्जी करेंसी वो आपकी एटीपी कहलाती है और एनसीईआरटी की लाइन है क्लास 11th की, ठीक है, तो एनर्जी करेंसी हम इसे बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जैक्टली कैसे होती है आपकी डीएनए की रेप्लिकेशन, इसे हम अच्छी तरीके से देखेंगे। देखो दो स्टैंड्स होते हैं हमारे पास डीएनए के अंदर, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ये वाली चीज, ठीक, कि दो स्टैंड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं इसके अंदर, डीएनए के अंदर, एक नंबर वन स्टैंड, एक ये वाला नंबर टू स्टैंड। दोनों की पोलैरिटी एग्जैक्टली अपोजिट होती है, एंटी पैरेलल होते हैं डायरेक्शन में। अब एक स्टैंड जो है उसकी पोलैरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी 3:5, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक की पोलैरिटी आपको देखने के लिए मिल रही है 3:5 डायरेक्शन में और दूसरे की पोलैरिटी देखने के लिए मिल रही है 5:3 डायरेक्शन में। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों लाइक आपके ना ऐसे फिक्स्ड होते हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो ये वाली स्पेस ना खुलनी स्टार्ट होगी, मतलब कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा धीरे धीरे करके। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फॉक। ये फॉक लाइक जो स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, इसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉक। यानी रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है तो एक वाई शेप का फॉक आपके लिए बनके तैयार होगा डीएनए में। अब यहाँ पे दो स्टैंड जो है उनके जो जो खुले है ना रेप्लिकेशन फॉक, थोड़ा थोड़ी जगह जो खुली है आपके डीएनए में, उस पे आके आपका आरएनए प्राइमर आ जाएगा। आरएनए प्राइमर आ गया। अब आरएनए प्राइमर तो सिर्फ एक ही कंडीशन में वर्क करता है, एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है, विच इज 5:3 डायरेक्शन। तो यहाँ पे थ्री एंड पे ये जस्ट स्टिक हो जाएगा, ठीक है, उसी के पास, और उसी के पास वर्क करने लग जाएगा, अपना पूरा काम करेगा, ठीक है, आरएनए प्राइमर। अब यहाँ पे ये सिंथेसिस कर रहा है आपके डीएनए के स्टैंड की, ठीक। ऑन द अदर स्टैंड जिसकी पोलैरिटी 5:3 है, उस पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो जस्ट अटैच नहीं हो सकता ना, वो इसी डायरेक्शन में आपका आरएनए प्राइमर 5:3 डायरेक्शन में, क्योंकि वो वर्क करता है, तो वो कहाँ जाके लगेगा, ऊपर की तरफ, और ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, वो स्टैंड को सिंथेसाइज करेगा, क्योंकि दोनों स्टैंड कैसे होनी चाहिए, एंटी पैरेलल होने चाहिए पोलैरिटी में आपके डीएनए के। अब दोनों वर्क, अब ये सारे आरएनए प्राइमर वर्क कर रहे हैं, तो एक स्टैंड पे तो आपको एकदम कॉन्टिन्यूअस देखने के लिए मिलेगा डीएनए। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस
स्ट्रैंड या फिर हम क्या बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, कि ये लीड कर रहा है एकदम कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बना रहा है। दूसरे पे आपको जो फ्रेगमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और ये फ्रेगमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं दूसरे वाले पार्ट पे, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? नॉन कंटिन्यूअस, ठीक है, या फिर हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस, या फिर हम इसे बोल सकते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो एक तो नॉन कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये चीज समझ में आई एग्जैक्टली क्या है, कौन सा कॉन्टिन्यूस है, कौन सा डिसकंटिन्यूस है। तो जिसपे फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, वो आपका नॉन कंटिन्यूस है या फिर लैगिंग स्टैंड है। अब ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आपके छोटे छोटे हो गए, एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं बहुत आराम से हमारी फेविकॉल के थ्रू, विच इज डीएनए लाइगेज। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैम छोटे छोटे स्टैंड बन गए, अब इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, फेविकॉल से हमें स्टिक कर देंगे बहुत इजिली, विच इज विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। हमारी मॉलिक्यूलर फेविकॉल जो है उसे हम स्टिक कर देंगे, इजिली स्टिक हो जाएगा, तो पूरा स्टैंड हमारे लिए बनके तैयार हो जाएगा डीएनए का। तो यहाँ पे दो डीएनए, एक डीएनए के दो स्टैंड से दो और नए स्टैंड बने, विच इज न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड। आई होप रेप्लिकेशन की प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो। एग्जैक्टली बहुत, यहाँ पे जो डीएनए डिपेंडेंट है, डीएनए पॉलीमरेज, ये एक डायरेक्शन में लाइक आपका कैटलाइजेशन करता है, विच इज 5:3 डायरेक्शन। और ये जो दो स्टैंड्स है ना आपके डीएनए के, एक आपका टेम्पलेट, दूसरा भी आपका टेम्पलेट, एक 3:5 डायरेक्शन में, एक 5:3 डायरेक्शन में, एक कॉन्टिन्यूस है, एक डिसकॉन्टिन्यूस। कैसे है वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो डिसकॉन्टिन्यूस वाले स्टैंड है ओकाजाकी फ्रेगमेंट, उन्हें विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम, उसके थ्रू हम स्टिक कर देंगे। अब हम बात करेंगे आपके ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की। तो देखो, डीएनए से हमने डीएनए का फॉर्मेशन करवाया बाय द प्रोसेस नोन एज रेप्लिकेशन। अब ये जो पूरा आपका सेंट्रल डॉग्मा, अब ये जो पूरा आपका सेंट्रल डॉग्मा है ना, इसे हम अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। तो ये जो आपका डीएनए से अब बनेगा आरएनए बाय द प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? आरएनए का फॉर्मेशन, लेकिन किससे? डीएनए से। तो डीएनए की यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डीएनए। अब यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो तीन चीजों की बनी हुई होती है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और आपका टर्मिनेटर। वहां पे जो प्रमोटर वाला एंड है फर्स्ट, ये आपका स्टार्टिंग करवाएगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की, मतलब इस एंड से आपका ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। दूसरा एंड जो है आपका स्ट्रक्चरल जीन, ये बीच वाला पार्ट है जहां पे पूरी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। और तीसरा आपका टर्मिनेटर एंड है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टॉप होगी। तो ये तीन चीज आपको देखने के लिए मिलती है डीएनए में। लेकिन डीएनए में होते हैं दो स्ट्रैंड और सिर्फ एक आपका स्ट्रैंड बनता है। आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। तो दो स्ट्रैंड से एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो यहाँ पे दो स्ट्रैंड जो है, एक का नाम है टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक का नाम है कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड हम किसे बोलते हैं? 3:5 जिसकी डायरेक्शन होती है ना, उसे हम बोलते हैं आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। और 5:3 जिसकी डायरेक्शन होती है उसे बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। अब देखो, यहाँ पे इनके नाम भी अलग अलग होते हैं, उसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन जो आपका क्या करता है? कोड करता है, मतलब जो रियल में आपका आरएनए बनाता है वो कौन सा होता है? आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं उसे हम? टेम्पलेट स्ट्रैंड। लेकिन एक चीज याद रखना, देखो क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड तो हम उसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जिसे हम टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं, इसका हम क्या दूसरा नाम क्या है? नॉन सेंस, नॉन कोडिंग स्टैंड, ठीक है, ये चीज। और इसकी डायरेक्शन आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, कैसी? हमेशा, ठीक है, कभी भी नहीं भूलिए। अब आगे चलते हैं, जो कोडिंग स्टैंड है उसकी डायरेक्शन 5:3 है, और ये आरएनए के लिए कोड नहीं करता, लेकिन इसकी डायरेक्शन कितनी होती है? 5:3 डायरेक्शन, सेम एज जो आपका आरएनए के लिए, आरएनए में आपको देखने के लिए मिलती है डायरेक्शन, वही डायरेक्शन इसकी देखने के लिए मिलती है कोडिंग स्टैंड की, ठीक। ये वाली चीज हमने पढ़ ली। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं टेम्पलेट स्टैंड की, तो जो टेम्पलेट स्टैंड होगा उसका जस्ट अपोजिट, जैसे कि अगर ए जी सी टी, ये आपका टेम्पलेट स्टैंड का सीक्वेंस है, तो इससे कोड करके आपका आरएनए बनेगा ना, तो इसका सीक्वेंस, आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा? आपका ए का हो जाएगा यू, जी का हो जाएगा सी, सी का हो जाएगा जी, और टी का क्या होगा? जस्ट अपोजिट करो, ए। तो ये सीक्वेंस आपका आरएनए का आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बात करूं आपके कोडिंग स्टैंड की, तो कोडिंग स्टैंड से ए टी, जैसे जी सी है, ठीक, तो इसका जस्ट अपोजिट हो नहीं होगा, मतलब इसका जस्ट अपोजिट नहीं होगा, इसका क्या होगा? एग्जैक्टली सेम रहेगा, बस टी जो है वो रिप्लेस हो जाएगा यूरेसिल से। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्टली सेम ए
टी की जगह बस यू रख दो, जी की जगह जी रखो और सी की जगह सी और थ्री डैश, तो कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा आपको स्ट्रक्चर। अभी इस पर हम बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो, अगर हम फॉर्मेशन करना है आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए का, ठीक, तो बाय द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हो सकता है। अब डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, एक होता है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक होता है आपका कोडिंग स्ट्रैंड। अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं, तो कोडिंग स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड को हम बोलते हैं यहाँ पे आपका एंटीसेंस, नॉन सेंस या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, और इसकी डायरेक्शन कितनी होती है 3:5 डायरेक्शन। कोडिंग स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, और इसकी डायरेक्शन होती है 5:3 डायरेक्शन की ऑलवेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हो सकता है आपको बोल दे कि ये कोडिंग स्ट्रैंड है तो, और उसकी डायरेक्शन यहाँ पर गिवन हो तो हम इससे पता लगा लेंगे ये कोडिंग स्ट्रैंड है। और अगर डायरेक्शन गिवन है 3:5 या फिर बोल रखा है क्वेश्चन में कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो ऑब्वियसली उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड मान के चलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभार क्या करता है, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बताता, हो सकता है वो ये भी ना बोले कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है और या नहीं है, तो उस कंडीशन में हम उसे मान के चलेंगे एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या मान के चलेंगे, एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, मूव करते हैं आगे। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर दिस डीएनए सीक्वेंस। अब आपको डीएनए सीक्वेंस दे रखा है, आपको जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री उसका बनाना है, मतलब आपसे बोल रखा है कि एक डीएनए है, ठीक है, उसका ए टी जी सी, उस एक का एक डीएनए का स्टैंड है, तो आपको जस्ट अपोजिट बनाना है, मतलब 3 का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा टी, टी का हो जाएगा ए, जी का हो जाएगा सी, सी का हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा 5-। ये आपको डीएनए बनाया आपने, ठीक है, एक स्टैंड से डीएनए के दूसरा स्टैंड, तो बहुत इजीली बन गया। और उसी तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके लिए, आप आराम से सॉल्व करके देख सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन हम क्या सॉल्व करें, यहाँ पे अगर आपको दे रखा है कि आपको डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करवाना है और आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, एक 5:3 डायरेक्शन है, मतलब हमें पता चल रहा है ये कोडिंग स्टैंड है, ओके, और दूसरा वाला 3:5 डायरेक्शन है, तो हमें पता चल रहा है ये कैसा है, टेम्पलेट स्टैंड, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, कोडिंग स्टैंड तो बिल्कुल जस्ट सेम ही होता है आरएनए के, तो 5-, ए का ए, ठीक, टी का क्या हो जाएगा यू, जी का जी, ओके, सी का सी, और 3- का 3-। लेकिन हम बात करें जब टेम्पलेट की, तो टेम्पलेट में क्या होगा, जस्ट अपोजिट 3 का क्या हो जाएगा 5-, टी का क्या हो जाएगा ए, ए का क्या हो जाएगा यू, सी का क्या हो जाएगा जी, जी का क्या हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा आपका 3-। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई हो, तो इसे भी अच्छी तरीके से देख लो। देखो, दो स्टैंड है डीएनए के, एक होता है टेम्पलेट स्टैंड और एक होता है कोडिंग स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड में आपको देखने के लिए मिल रहा है ये वाला, लाइक टेम्पलेट स्टैंड जो था इससे जस्ट अपोजिट होगा, ठीक, कोडिंग स्टैंड में सब कुछ सेम रहेगा, बस टी की जगह यू आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, विच इज ये दे रखा है आपको 3- टी ए जी सी 5-, तो हमें क्या पता चल रहा है कौन सा स्टैंड है आपका, टेम्पलेट स्टैंड, राइट। तो टेम्पलेट स्टैंड है, तो आप 5 इसका अपोजिट कर देंगे जस्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा सेम एज यहाँ पे आपका क्या बोल रखा है, 5:3 डायरेक्शन, और बोल भी रखा है कोडिंग स्टैंड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोडिंग स्टैंड में क्या होता है, बस टी को हमें हटा देना है, उसकी जगह हमने यू लगा देना है, ओके। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बहुत इजिली सॉल्व कर सकते हो। फिर दूसरा वाला आपको दे रखा है, कुछ भी नहीं बोल रखा, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रखा, तो हम इसे लेट करेंगे एज अ टेम्पलेट स्टैंड, और टेम्पलेट स्टैंड जब इसे लेट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन कितनी मानेंगे, 3:5 डायरेक्शन, तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, दूसरा लाइक आपका जो आरएनए का स्टैंड है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो सेम एज हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक, और बड़े आराम से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपसे बोल रखा है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डीएनए सीक्वेंस ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए टू कोड दिस आरएनए। तो आपको क्या करना है, इस ये जो आरएनए आपको दे रखा है, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करना है। अब ये बहुत टफ नहीं है, देखो यहाँ पे अगर आपको आरएनए दे रखा है और हमें ये पता होता है कि आरएनए का जो सीक्वेंस है वही कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस होता है, ठीक है, बस डीएनए में आपका टी देखने के लिए मिलता है, विच इज थाइमिडीन, तो ए का ए रहेगा, यू की जगह टी आ जाएगा, जी का जी रहेगा, सी का सी रहेगा, और पूरा सब कुछ वैसे ही रहेगा, और बस यू जो है उसकी जगह टी आ जाएगा, और ये कोडिंग स्टैंड बन के तैयार है। जब एक कोडिंग स्टैंड बन के तैयार है आपका डीएनए में, तो ऑब्वियसली टाइम तो लगना ही नहीं है ना, टेम्पलेट स्टैंड तो यूं ही बन जाएगा,
तो आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपको कि एग्जैक्टली क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है कि कैसे बनाते हैं डीएनए का फॉर्मेशन बिहार बोर्ड में। ठीक, अब बात कर रहे हैं हम आपके सिस्टोन की। तो देखो सिस्टोन वो चीज है लाइक जिससे आपका क्या होना है, फॉर्मेशन होना है आरएनए का। तो यहाँ पे जो सेगमेंट है डीएनए का जो कि पूरे ट्रांसक्रिप्शन में जाता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोन। अब सिस्टोन ऑन द ऑर्गेनिज्म, बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म दो तरीके का होता है, सिस्टोन पॉलीसिस्टोनिक होता है और मोनोसिस्टोनिक होता है। पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट से मिलेगा, पी से आप बहुत इजीली याद कर सकते हो, पी फॉर पॉलीसिस्टोनिक और पी फॉर प्रोकैरियोट। ठीक, मोनोसिस्टोनिक वाला आपको यूकैरियोट्स में मिलता है। जो पॉलीसिस्टोनिक है जो कि प्रोकैरियोट्स में देखने के लिए मिल रहा है उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए बनेगा। आरएनए कौन सा वाला है, पॉलीसिस्टोनिक आरएनए। ठीक, मोनोसिस्टोनिक आरएनए में से बनेगा कौन, मोनोसिस्टोनिक डीएनए से बनेगा मोनोसिस्टोनिक आरएनए। तो इतनी चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। अब ये जो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए है ना, इसको अगर हम अच्छी तरीके से देखें तो इसमें आपको एक्सोन्स एक्सोन एक्सोन्स दिखाई देते हैं। एक्सोन्स क्या होते हैं, एक्सोन्स की स्पेलिंग होती है EXONS, एक्सोन्स। ये एक्सोन्स क्या होता है, कोडिंग चीज वाली है। लाइक ये क्या करता है, कोड करता है प्रोटीन के लिए। तो ये मैच्योर है आपका और प्रोटीन के लिए कोड करेगा। हाउएवर मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए में आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं, इंट्रोन्स एक्सोन्स, इंट्रोन्स एक्सोन्स। तो एक्सोन्स तो आपके मैच्योर वाला पार्ट था, इंट्रोन्स INTRONS, इंट्रोन्स क्या होते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट होता है। ये इमेच्योर एमआरएनए में मिलते हैं, आपका जो इमेच्योर mRNA में मिलते हैं। तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा, मैच्योरेशन अंडरगो करना पड़ेगा। इसकी जो मैच्योरेशन की प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो आपका इंट्रोन्स है ना वो हट जाते हैं और सिर्फ एक्सोन्स 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 रह जाते हैं। ठीक, और जब एक्सोन्स 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 रह जाएंगे तो वो क्या करेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो पूरे ही आरएनए में से आपका हम इंट्रोन्स हटा लेंगे और सिर्फ एक्सोन्स छोड़ देंगे और जो फॉर्मेशन होगा फिर प्रोटीन का होगा। तो दो तरीके के सिस्टोन हो गए। सिस्टोन क्या है, वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि ट्रांसक्रिप्शन अंडरगो करेगा। और यहाँ पे दो तरीके के जो आपके सिस्टोन है, एक पॉलीसिस्टोनिक एक मोनोसिस्टोनिक। ओके, पॉलीसिस्टोनिक इसका जो है आपका एमआरएनए बनेगा, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए एक्सोन्स एक्सोन्स होंगे, प्रोटीन कोड होगी। फिर आपका जो मोनोसिस्टोनिक आपका डीएनए उससे मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा और उससे इमेच्योर बनेगा, फिर स्प्लाइसिंग होगी प्रोसेस, फिर एक्सोन्स का फॉर्मेशन होगा, फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। अब एग्जैक्टली क्या होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, इसे अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ आपका आरएनए, तो तीन तरीके के आपके तीन टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं आरएनए के अंदर। एक होता है आपका एमआरएनए जो कि एज अ टेम्पलेट वर्क करता है। ठीक, एक होता है टीआरएनए। टीआरएनए का काम क्या होता है, अमीनो एसिड को लाना और रीड करना। ये सारी चीजें कब होंगी, आपकी ट्रांसलेशन की प्रोसेस में। अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पहले ये वाली कंप्लीट करते हैं हम, फिर वो वाली प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक, ट्रांसलेशन की प्रोसेस, और इसमें ये तीनों चीजें पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये याद कर लीजिए, एमआरएनए को बोलते हैं हम मैसेंजर आरएनए। ठीक, टीआरएनए को बोलते हैं हम ट्रांसफर आरएनए, जो कि हम ऑलरेडी फर्स्ट सेशन में पढ़ चुके हैं, और आरआरएनए को बोलते हैं हम राइबोसोमल आरएनए। और ये इसका वर्क होता है, वर्क जो है पूरा अच्छी तरीके से वो आप कब पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन की प्रोसेस में इसी सेशन में। तो बिल्कुल थोड़ा सा वेट करिए और अच्छी तरीके से, अभी हम पहले फोकस कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इन यूकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म, तो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो इनके अंदर ज्यादा डिटेलिंग भी नहीं मिलेगी। ओके, सिंपल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, आपको डीएनए चाहिए होगा। ओके, क्योंकि डीएनए से तभी तो हम आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे, तो एक डीएनए चाहिए, एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वाला एंजाइम चाहिए, एक सिग्मा फैक्टर चाहिए, एक रो फैक्टर चाहिए। कभी सिग्मा पढ़ा है आपने फिजिक्स के अंदर? ठीक, सिग्मा हम पढ़ते हैं और हम रो पढ़ते हैं। रो देखने के लिए मिलता है टेम्परेचर के लिए, ठीक, और सिग्मा भी हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक, जब हम फ्लक्स वगैरह पढ़ते हैं उस टाइम पे हमें सिग्मा भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे सिग्मा है गया, आ गया आपका, और आपका रो हो गया। तो यहाँ पे सिग्मा और दो आपका रो, ये दोनों फैक्टर्स हैं। कैसे फैक्टर्स हैं, अच्छी तरीके से देखते हैं। सबसे पहली जो प्रोसेस होती है आपकी ट्रांसक्रिप्शन की, उसे हम बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब कोई चीज स्टार्ट होना, तो स्टार्ट होगी तो इनिशिएशन होगा। प्रमोटर रीजन पे आपका आरएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए डिपेंडेंट है आरएनए पॉलीमरेज, वो आएगा, प्लस उसके साथ
सिग्मा फैक्टर आएगा। सिग्मा फैक्टर जिसे हम एस से शो करते हैं, ठीक है, सिग्मा से, तो सिग्मा फैक्टर आएगा और प्रमोटर रीजन पे बाइंड होगा। जैसे ही वो प्रमोटर रीजन में बाइंड होगा, अगली जो प्रोसेस है आपकी इलोंगेशन वो स्टार्ट होगी और उसमें आपका पूरा आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका सिग्मा फैक्टर है फिर अलग हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज से, और जो थर्ड प्रोसेस है आपकी टर्मिनेशन वो स्टार्ट होगी। टर्मिनेशन पे क्या होगा, जो आपका एंड रीजन है, टर्मिनेटर वाला जो रीजन है, उस रीजन पे आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आएगा रो फैक्टर के साथ। तो यहाँ पे रो फैक्टर उससे लाइक बाइंड अप हो जाएगा, ठीक है, और टर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, आरएनए बनके तैयार हो जाएगा 5:3 डायरेक्शन में। ओके, तो 5:3 डायरेक्शन में आपका आरएनए बनके तैयार हो जाएगा और ये पूरी प्रोसेस हो गई। तो इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, बस यही तीन स्टेप है आपकी पूरी प्रोसेस के ट्रांसक्रिप्शन की। अब ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स की बात करें, तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स मतलब मोनोसिस्ट्रोनिक जिनके अंदर डीएनए देखने के लिए मिलता है, और मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए जिनमें तैयार होगा। तो यहाँ पे क्योंकि यूकेरियोट्स आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियसली बहुत सिंपल चीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, बहुत टफ चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यूकेरियोट्स के अंदर आपको जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ये भी तीन तरीके का मिलता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अगर आपको पॉलीमराइजेशन करवाना है, लाइक आपको फॉर्म करना है आरएनए 28s आरएनए, 18s आरएनए या फिर 5.8s आरएनए, तो आप हेल्प लीजिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट की, क्योंकि सिर्फ यही पॉलीमरेज एंजाइम वर्क करेगा। अगर आपको hnRNA बनवाना है, यानी कि हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, इसकी फुल फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, और या फिर mRNA, तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम की, ठीक। अगर आपको फॉर्मेशन करवानी है tRNA की, 5s rRNA की, snRNA की, यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए की, तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड से। अब यहाँ पे हर एंजाइम का बहुत अच्छा वर्क है, और यहाँ पे देखो इसे याद कैसे करना है, देखो यहाँ पे सब में 8 8 8 8 आ रहा है, तो बहुत इजीली याद कर लोगे 28 18 5.8, तो ये इस डायरेक्शन में कुछ लोअर होती जा रही है वैल्यू। एस आर एन ए वो बिल्कुल सेम वैल्यू है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आर एन ए वो अच्छी तरीके से याद कर लेना, वो फुल फॉर्म है और वो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, 2018 में भी पूछी गई है, ठीक। इसके बाद हम बात करें आपकी इनिशिएशन की प्रोसेस की। तो देखो इनिशिएशन की प्रोसेस कैसे होती है, इनिशिएशन होगा, इलोंगेशन होगा, टर्मिनेशन होगा। इनिशिएशन की प्रोसेस में क्या होता है, प्रमोटर रीजन पे सिग्मा फैक्टर आएगा, ओके, सेम एज जो आपके यूकेरियोट्स प्रोकेरियोट्स में देखने के लिए मिल रहा था, आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करेगा सिग्मा फैक्टर इन्हीं आपका प्रमोटर रीजन पे। फिर क्या होगा, इलोंगेशन होगी, ओके, इलोंगेशन के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा टर्मिनेशन। तो यहाँ पे देखो फिफ्थ एंड पे आपका एमआरएनए के आपको देखने के लिए मिलती है कैपिंग। कैपिंग मतलब यहाँ पे आपको कैप देखने के लिए मिल रही है, लेकिन मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, इट इज मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके, ट्राइफॉस्फेट, ओके, इसकी आपको देखने के लिए मिल रही है कैपिंग। टेलिंग मतलब टेल, ओके, टेल आपकी थ्री वाली, थर्ड एंड को हम टेलिंग कहते हैं, और यहाँ पे आपको पॉली ए टेल देखने के लिए मिलती है, विच इज एडिनाइलेट रेसिड्यू, जो कि 200 से 300 होते हैं नंबर में, ये चीज देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका जो एमआरएनए बन के आएगा वो आपका मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए है, इस पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, इमेच्योर है, इस पे इंट्रोन्स भी है, एक्सोन्स भी है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग प्रोसेस में क्या होता है, स्प्लाइसोसोम्स आते हैं और स्प्लाइसोसोम्स इंट्रोन्स को खा जाएंगे, ओके, इंट्रोन्स वाले रीजन को खा जाएंगे, तो अब बच्चा क्या, सिर्फ एक्सोन्स एक्सोन्स, तो मेच्योर आपका एमआरएनए बन के तैयार है। तो प्रोसेस हुई इनिशिएशन की, सिग्मा फैक्टर आया, फिर आपका इलोंगेशन हुआ, रो फैक्टर भी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, रो फैक्टर बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे टर्मिनेटर एंड पे लगेगा, टर्मिनेशन कॉज करवाएगा। कैपिंग हो रही है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, टेलिंग भी हो रही है एडिनाइलेट रेसिड्यूज की, विच इज पॉली ए टेल होती है इसकी, अलग कलर में भी दिख रही होगी आपको। इंट्रोन्स और एक्सोन्स देखने के लिए मिलते हैं, एक्सोन्स तो आपका कोडिंग वाला पार्ट है ही, ठीक, इंट्रोन्स आपका हटने के लिए स्प्लाइसिंग करनी पड़ती है। स्प्लाइसिंग किससे होती है, स्प्लाइसोसोम से, और आपका आरएनए बनके तैयार होता है। जेनेटिक कोड, देखो जेनेटिक कोड क्या है, आपका सबसे पहले टर्म दिया जॉर्ज गिमो ने बोला 1954 में कि यहाँ पे ये जो आपका लाइक एक कोडोन में आपके तीन नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, तीन नाइट्रोजनस बेसिस मतलब यू, गुआनिन,
आपका यूरेसिल हो गया और एडिनिन, ठीक है, ये तीनों चीज मिला के ना आपका क्या बनाते हैं, एक कोडोन। ठीक, इस कोडोन को क्योंकि तीन आपका देखने के लिए मिल रहे हैं आपको, 1, 2, 3 नाइट्रोजनस बेस, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोड। तो हम इसे कोडोन भी बोल सकते हैं, ट्रिपलेट कोड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आरएनए की बात करूं या फिर डीएनए की, तो आरएनए की बात कर लेती हूँ, तो यहाँ पे एडिनिन, यूरेसिल, गुआनीन और साइटोसिन, ये चार आपको नाइट्रोजनस बेसिस मिलते हैं। तो इन चार नाइट्रोजनस बेसिस में अगर हम कॉम्बिनेशन लगाएं 3-3 का, क्योंकि हमें तीन लाइक एक कोडन में तीन होते हैं, तो 4 की पावर 3, देन वी विल बी गेट 64 कोडोन्स। कितना? 64 कोडोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे 20 अमीनो एसिड जो है वो 64 कोडोन से कोड हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे 64 कोडोन्स जो है वो सफिशियंट है कि वो कोड कर सके 20 अमीनो एसिड को। तो इतनी चीज उन्होंने किसने बोली, जॉर्ज गिमू ने। उसके बाद आया आपके हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने बताया कि सिंथेसाइज आर्टिफिशियली एन एमआरएनए विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेस। तो उन्होंने आर्टिफिशियली क्या करा, सिंथेसाइज करा एमआरएनए को विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। तो ये आपका करा हरगोविंद खुराना ने। देन द नेक्स्ट वन इज मार्शल निरेनबर्ग सेल फ्री सिस्टम। इन्होंने प्रोटीन का सिंथेसिस करा था और इन पे क्वेश्चन बहुत आता है, विच इज किसने लाइक सबसे पहले ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ठीक, सबसे पहले आपका प्रोटीन सिंथेसिस करा, तो यहाँ पे आपका लाइक मार्शल निरेनबर्ग सेल फ्री सिस्टम, ठीक, इस पूरे का लाइक उस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, मार्शल निरेनबर्ग आपके साइंटिस्ट का नाम है। देन सर्व ओचा एंजाइम, इसके ऊपर भी आपका बहुत बार क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे ये एक एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। तो जब भी एज लगा होगा किसी भी टर्म के आगे, सो इट इज एंजाइम, राइट। तो सर्वोच्चा एंजाइम एक तरीके का एंजाइम है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अकॉर्डिंग लाइक ये एंजाइम क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है आरएनए की एक डिफाइंड सीक्वेंस में, ठीक, और टेम्पलेट जो आपका डीएनए होता है उससे लाइक उसका चीज नहीं देखता, अपना पॉलीमराइजेशन करता है आरएनए का। ठीक, ये वाली चीज हमें देखने के लिए मिलती है सर्वोच्चा एंजाइम पे। तो क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड्स में आएगा तो सर्वोच्चा एंजाइम पे आ सकता है सीबीएसई में। ठीक, हाउएवर जो कॉम्पिटेटिव का क्वेश्चन है वो निरेनबर्ग का, वो एनसीईआरटी में जो दे रखा है, ये आपका आ सकता है नीट में। ठीक, तो मैंने आपको दोनों चीजें क्लियर करवा दी, और ये भी आपका नीट में आ सकता है। तो ऐसा नहीं है नीट में नहीं आएगा, ये सीबीएसई में ही आएगा, ऐसी वाली बात नहीं है। सर्वोच्चा एंजाइम आपको नीट में भी आया हुआ है, और मार्शल निरेनबर्ग सेल फ्री वाला सिस्टम वो भी नीट में आया हुआ है। ओके, हम आगे चलते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, देखो यहाँ पे साइलेंट फीचर्स आपके 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं, प्लस कॉम्पिटिशन के अंदर 5 मार्क्स में तो आपका सीबीएसई बोर्ड में आएगा या फिर कहीं पे भी दिल्ली बोर्ड में, लेकिन यहाँ पे नीट के अंदर भी आता है, क्योंकि इसका एक सिंगल सिंगल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमने देखा कि एक जेनेटिक कोड कोड ट्रिपलेट होता है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज गिमू। ठीक, यहाँ पे टोटल 64 कोडोन्स हमने देखे, 4 के 3-3 के कॉम्बिनेशन से जो हमने बनाए थे टोटल नाइट्रोजनस बेसिस से। ठीक, अब यहाँ पे 64 कोडोन्स में से आपको 61 कोडोन्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि अमीनो एसिड को कोड करते हैं अमीनो एसिड के लिए, और कितनी अमीनो एसिड है टोटल, 20 अमीनो एसिड। तो 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। हाउएवर जो बचे हुए तीन है ना, ये बचे हुए तीन क्या करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्टॉप कोडोन्स, मतलब ये किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करते, इन्हें हम बोलते हैं स्टॉप कोडोन्स, राइट। तो ये वाली चीज हमें देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे क्या है, एक कोडोन कोड करता है सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, आपका यू 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 विच इज लाइक एक कोडोन हो गया, तीन का कॉम्बिनेशन, और ये कोड करता है आपका फिनाइल एलिलीन के लिए। ठीक, फिनाइल एलिलीन के लिए कोड करता है। सेम एज इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एंड अनएम्बिगुअस। ठीक, स्पेसिफिक है और अनएम्बिगुअस। यहाँ पे एक अमीनो एसिड बहुत सारे मोर और वन और मोर कोडोन से कोड हो सकती है, यहाँ पे कोडोन आएगा ना कि अमीनो एसिड। ठीक, तो यहाँ पे जैसे फिनाइल एलिलीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिनाइल एलिलीन क्या है आपकी, एक तो यू 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 से कोड हो रही है, और भी आपके जो आपके कोडोन्स है उससे कोड हो सकती है, सिर्फ एक से कोड नहीं होगी, तो और से भी कोड हो सकती है। जैसे आप टेबल में देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है,
उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा एक जो आपकी अमीनो एसिड है वो बहुत सारे कोडोन से कोड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 61 आपके कोडोन है टोटल और वो कोड करते 20 अमीनो एसिड के लिए, तो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन बनेंगे और एक अमीनो एसिड बहुत सारे कोडोन से कोड हो जाती है। ठीक है, तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड साइलेंट फीचर फिनिश। नाउ द फोर्थ वन, कोडोन जो है एमआरएनए में, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट। अब ये डीजेनरेट पे क्वेश्चन आता है कि किस प्रॉपर्टी को डीजेनरेट बोलते हैं, किस प्रॉपर्टी को आपका स्पेसिफिक और अनएम्बिगुअस बोलते हैं, तो ऐसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अब यहाँ पे जो एमआरएनए के कोडोन है ओके, उसे हम रीड करते हैं कॉन्टिन्यूअस फैशन में, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन आपको देखने नहीं मिलता, जैसे कि आपका कॉमा हो गया, एक्सप्लेनेटरी मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, फुल स्टॉप हो गया ओके, या फिर स्लैश हो गया, कुछ भी चीजें आपको इनमें से देखने के लिए नहीं मिलती, तो कोई भी पंक्चुएशन प्रेजेंट नहीं है आपका ये कोडोन के सीक्वेंस में। ठीक है, तो कभी ऐसे आप लिख रहे हो यू 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 और फिर तुमने कॉमा लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, आपको क्या लिखना है यू यू यू, तो थोड़ी सी स्पेस कर दो, या तो यू सी ए यू जी ए ऐसे कर दो, लेकिन यहाँ पे आप कॉमा लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये कॉमा नहीं लगाना है। सो अब हम बात कर रहे हैं आपका, कोडोन्स आर यूनिवर्सल। ठीक, मतलब पूरी दुनिया में हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो यू 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 वाला कोडोन है वो सिर्फ कोड करेगा फिनाइल एलिलीन के लिए, और किसी चीज के लिए कोड नहीं कर सकता, सिर्फ फिनाइल एलिलीन के लिए। अगर मुझ में कोड कर रहा है तो आप में भी करेगा, आप में कर रहा है तो डॉग में भी करेगा, डॉग में कर रहा है तो कैट में भी करेगा, काउ में भी करेगा, हर चीज में फिनाइल एलिलीन के लिए कोड करेगा। ऐसा नहीं है ह्यूमंस में अलग कर रहा है और आपका एनिमल्स में अलग कर रहा है, कैटल्स में अलग कर रहा है, इंसेक्ट्स में अलग कर रहा है, ऐसी वाली बात नहीं है, सिर्फ एक ही चीज के लिए कोड करेगा, ये यूनिवर्सल है। हाउएवर कुछ एक्सेप्शंस आपको प्रेजेंट देखने के लिए मिलते हैं, हर जगह आपको एक्सेप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ एक्सेप्शंस कौन से, आपके माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन और प्रोटोजोअन कोडोन, और ये नीट का क्वेश्चन है और ये नीट 2015 का क्वेश्चन है। ठीक, तो ये नीट का क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सिक्स क्या है पार्ट आपका, सिक्स पार्ट है आपका कोडोन ए यू जी, यानी कि आपका एक कोडोन है जिसका ए यू जी कॉम्बिनेशन जो है इसके डुअल फंक्शंस होते हैं। डुअल फंक्शंस कैसे होते हैं, एक तो ये कोड करता है मिथ्यूनिन के लिए, किसके लिए, मिथ्यूनिन अमीनो एसिड है। ठीक, मिथ्यूनिन आपकी अमीनो एसिड है, इसके लिए कोड करता है। साथ ही साथ दूसरा काम इसका क्या होता है, ये वर्क करता है आपका एज अ इनिशिएटर कोडोन। इनिशिएटर कोडोन क्यों, क्योंकि ये स्टार्ट करवाता है आपकी प्रोसेस ट्रांसलेशन को। ठीक है, तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है और अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, और ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में और आपका नीट में दोनों में ही आ चुका है, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये एनसीईआरटी की, और सिक्स वाला इस पे ना लाइक हैशटैग मार्क कर लेना या स्टार बना लेना, इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना। फिर आपका ट्रांसलेशन की पूरी प्रोसेस, तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में हम क्या करते हैं आपका, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, पूरा जो हमने सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा था, ठीक है, तो हमने डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करवाया बाय द प्रोसेस नोन एज रेप्लिकेशन, राइट। डीएनए से आपने आरएनए का फॉर्मेशन करवा दिया, अभी पढ़ा हमने विच इज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन तो पढ़ लिया, अब आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के थ्रू। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड को मिलाना ताकि हम एक पूरी पॉलीपेप्टाइड की चेन, यानी कि प्रोटीन का चेन का फॉर्मेशन कर सके, दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है हमारे पास एक एमआरएनए हो, मतलब आरएनए होगा तभी हमारा क्या होगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। आरएनए कौन सा वाला, मैसेंजर आरएनए, ठीक, जिसको रीड करेंगे हम, क्या करेंगे, जिसको रीड करेंगे, टीआरएनए जो रीड करेगा ओके। तो यहाँ पे टीआरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, आप ये बोल सकते हो अमीनो एसिड लाएगा ट्रांसफर, और ये इसका काम क्या है, ब्रिंग अमीनो एसिड, ठीक, ये अमीनो एसिड लेके आएगा। फिर
फिर है आपका थर्ड चीज जो हमें चाहिए विच इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बने हुए होते हैं प्रोटीन के और आरआरएनए के। ओके, आरआरएनए, तो यहाँ पे तीनों ही तरीके के आपका यूज देखने के लिए मिलेगा हमें आरएनए का। तो तीनों ही तरीके के आरएनए चाहिए प्लस प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिल रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, टीआरएनए। देखो टीआरएनए का एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। अब ये ना एनसीईआरटी का पुराना वाला स्ट्रक्चर है, ये इजी है। नया वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप वही वाला याद करें, आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला इजी डायग्राम है। ऐसा नहीं है इससे आपके मार्क्स कट जाएंगे कुछ। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये आपका क्या है, बेस की तरफ ये आपका एमआरएनए है। क्या है, एमआरएनए, ठीक, एमआरएनए। और ये आपका एंटी कोडोन लूप है, तो ये तो आपके कोडोन हो गए, ठीक है, AUG। और दूसरी तरफ आपका एंटी कोडोन है, ठीक है। एंटी कोडोन क्या होगा, जस्ट अपोजिट, ए का यू, यू का ए, जी का सी, ठीक है, जस्ट अपोजिट, इसे बोलते हैं हम एंटी कोडोन लूप, और एंटी कोडोन लूप या फिर बोलते हैं रिकॉग्निशन लूप, ठीक। अब इसके ऊपर आपको तीन आर्म देखने के लिए मिलती है, लाइक चार आप बोल सकते हो, एक दो, ठीक है, तीन चार। तो एक पे तो हमने देख लिया एंटी कोडोन लूप, ठीक है, दूसरी की दूसरे जस्ट अपोजिट, जहां एंटी कोडोन लूप है उसके जस्ट अमीनो एसिड आपकी बाइंड रहेगी। तो क्योंकि AUG जो आपका कोडोन एमआरएनए पे है ना, वो कोड करता है मिथ्योनीन को। किसको, मिथ्योनीन को। तो यहाँ पे टीआरएनए के ऊपर कौन सी अमीनो एसिड मिलेगी, जो कोडोन आपका एमआरएनए पे दिखेगा, वही वाली, उसी वाले कोडोन को जो लाइक कोड करता है ना जिस अमीनो एसिड के लिए, वो अमीनो एसिड आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे UUU होता, तो कोडोन आपका जो टीआरएनए उसके ऊपर आपको फिनाइल एलिलीन देखने के लिए मिलती, ठीक। तो और कुछ होता तो उससे और कुछ अलग देखने के लिए मिलती। तो AUG है जिसे हम बोलते हैं, जिसके डुअल फंक्शन है, एक तो ये इनिशिएट भी करता है ट्रांसलेशन को, ठीक, दूसरा मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। तो यहाँ पे वही वाली अमीनो एसिड देखने के लिए मिलेगी जो आपकी एमआरएनए पे है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो लूप मैंने आपको बोला, इसे हम बोलते हैं डी लूप, इसका काम होता है अटैचमेंट का, ठीक है। और टी लूप, इसका काम होता है हेल्प इन बाइंडिंग विद राइबोसोम्स। ये क्या करता है, राइबोसोम से बनने में मदद करता है। ये जो आपकी एक और छोटी सी आर्म आपको दिख रही है, वेरिएबल आर्म, इसका कोई इतना ज्यादा फंक्शन नहीं है, बस ये आपको देखने के लिए मिलती है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देयर आर 64 कोडोन्स। तो यहाँ पे देखो 64 कोडोन्स है हमें पता है, और तीन आपके स्टॉप कोडोन्स है। कौन कौन से स्टॉप कोडोन्स है आपके, आपका UAA, UGA और UAG, ठीक है। तो UAA फर्स्ट, UGA और UAG, तो तीन कोडोन्स है जिनके हम बोलते हैं स्टॉप कोडोन्स, और इन्हें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ये आपका 2017 का क्वेश्चन है, या फिर हाँ 2017। अब मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली फर्स्ट में आया था, सेकंड में आया था, या फिर 2016 का है, मे बी इन दोनों ईयर्स में से किसी का है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इन तीनों में से पूछा गया है कि इन तीनों में से लाइक आपको बताना था कि कौन सा स्टॉप कोड होना है और कौन सा नहीं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो टी आर एन ए अभी हमने देखा, इसका अगर हम 2D स्ट्रक्चर देखें, कौन सा स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर, तो ये क्लोव लीफ जैसा होता है। क्लोव लीफ आपकी जो लॉन्ग होती है उसकी लीफ जैसा, ठीक। अगर हम 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो वो इन्वर्टेड एल होता है, और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में है लाइन, और यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। तो CBSE के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये आपका इस बार भी आया था आई थिंक यहाँ पे आपका MCQ में, ठीक है, 2020 अभी जो बोर्ड हुआ है, किसी एक बोर्ड में आपका ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है दिल्ली बोर्ड है या फिर बिहार बोर्ड है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आया है आपका, लाइक टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 2D स्ट्रक्चर क्लोव लीफ लाइफ होता है, या फिर 3D स्ट्रक्चर के बारे में उनके उनका क्वेश्चन था। तो 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो आपका इन्वर्टेड एल होता है, तो इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोसेस है ट्रांसलेशन की, वो कैसे होती है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मतलब यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो एटीपी की प्रेजेंस में, आप ये बोल सकते हो एटीपी की प्रेजेंस में जो अमीनो एसिड है वो एक्टिवेटेड होंगे, और अपना लाइक जो अमीनो एसिड है ना
जो आपके सूटेबल अमीनो एसिड है उससे जाके टीआरएनए बाइंड होगा। मतलब पहले ही अलग अलग रहेगा ठीक है, लेकिन इसके लिए पहले एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी और एटीपी के थ्रू ये क्या होंगे आपके उसके सूटेबल टीआरएनए के साथ बाइंड अप हो जाएंगे एंटीकोडोन को रीड करके ठीक। लेकिन एंटीकोडोन वाला नहीं होगा, जो कोडोन लाइक उसके जस्ट अपोजिट अमीनो एसिड यहाँ पे अटैच होगी। जैसे यहाँ पे ये है GUC, तो GUC कोड करता है विलीन को ठीक है, तो यहाँ पे विलीन आई है ठीक है। सेम एज AUG, AUG कोड करता है मिथ्यूनिन को, तो यहाँ पे मिथ्यूनिन आई है। UUU कोड करता है आपको फिनाइल एलिलीन को, तो यहाँ पे फिनाइल एलिलीन आई है। और इसे हम बोलते हैं अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, और ये 2016 सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड है आपका उसका क्वेश्चन है 2016 का ठीक। अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, और आपका इसे हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए ठीक। अब हम बात कर रहे हैं आपके राइबोसोम्स की, तो देखो राइबोसोम्स में आपको दो यूनिट देखने के लिए मिलती है, चाहे यूकेरियोट हो चाहे प्रोकेरियोट हो। देखो यूकेरियोट के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलती है 80S सब यूनिट ठीक है, 80S वाला आपका राइबोसोम, और प्रोकेरियोट के अंदर 70S। अब यहाँ पे देखो अपनी मैथमेटिक्स भूल जाना, यहाँ पे तुम्हारी मैथ्स काम नहीं करने वाली है ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसे शांत कर दो। देखो 80S में आपको दो सब यूनिट देखने के लिए मिलती है, एक होता है आपका 60S, दूसरा होता है आपका 40S। 60 और 40 को प्लस करोगे कितना आएगा 100, तो इसे थोड़ी देर के लिए शांत कर लेना। 60 और 40 को हम जब प्लस करते हैं तो 80 आता है इन यूकेरियोट्स के अंदर। अब यहाँ पे एस से क्या डिफाइंड है, एस का मतलब है सेडिमेंटरी कोफिशियंट। ओके सेडिमेंटरी कोफिशियंट ये कहाँ लिखा है, सेडिमेंटरी कोफिशियंट आपकी एनसीईआरटी जो आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी है उसमें लिखा हुआ है आपके सेल वाले चैप्टर में ठीक, जहाँ पे राइबोसोम्स पढ़ाया है। तो यहाँ पे 80S आपका क्या है राइबोसोम, जो कि आपको देखने के लिए मिलता है यूकेरियोट्स के अंदर 60S, 40S ठीक। प्रोकेरियोट्स में आपको देखने को मिलता है 70S, 70S के कॉम्बिनेशन में कितना 30-50। हाउएवर 30-50 को प्लस करेंगे कितना आएगा 80, लेकिन ऐसा नहीं होता, 30 और 50 मिलके 70S का आपका पूरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब देखो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में आपका जो लाइक ये पूरा जो आपके राइबोसोम्स है ना वो एज करते हैं आपका सेलुलर फैक्ट्री की तरह प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं यहाँ पे ठीक। तो ये आपका राइबोसोम है, ये जो आपका नीचे की तरफ बेस की तरफ दिख रहा है ये आपका mRNA है ठीक है, ये आपका tRNA है और ये आपका rRNA है। अब यहाँ पे आरआरएनए पे आपको दो साइट दिख रही है, एक होता है आपका पी साइट और एक होता है आपका ए साइट ठीक है। तो पहले क्या होता है, ए साइट में आके यहाँ पे बैठ के लाइक आपका जो सूटेबल टीआरएनए है वो कोड करता है, उससे अटैच हो जाता है। जैसे कि स्टार्टिंग की होगी आपकी AUG ठीक है, तो जस्ट अपोजिट वाला आपका आके लगेगा, आपका जो एंटीकोडोन वो रीड करके लेके आएगा ठीक, मिथ्यूनिन के लिए कोड करेगा, तो वो आपका ए साइट पे बैठ जाएगा आके ठीक है। तो ये फर्स्ट था ठीक है, ए साइट पे वो बैठ गया, सेकंड स्टेप। अब ये जो ए साइट पे बैठ गया है ना, ये क्या करेगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा पी साइट पे, तो ये पी साइट पे चला जाएगा और यहाँ पे दूसरा वाला टीआरएनए आ जाएगा आपका ए साइट पे, तो दूसरा वाला आ गया UUU। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि अमीनो एसिड है ना, तो इनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, बन गया बॉन्ड ठीक। अब ये बॉन्ड क्या करेगा, ये जो आपका मिथ्यूनिन है ये टीआरएनए ये से छोड़ देगा ठीक है, और ये टीआरएनए फ्री हो जाएगा, और ये जो आपका फिनाइल एलिलीन वाला टीआरएनए है ना ये शिफ्ट करके इस वाली जगह चला जाएगा। तो मिथ्यूनिन के साथ जो टीआरएनए था उसने उसे फ्री कर दिया, छोड़ दिया, और जो फिनाइल एलिलीन के साथ टीआरएनए था वो अपनी जगह पे शिफ्ट कर गया, यानी कि पी पोजीशन पे, पी साइट पे चला गया ठीक। और यहाँ पे दूसरी के लिए, दूसरी वाले के लिए जगह छोड़ दी दूसरे टीआरएनए के लिए। तो ऐसे ही होता जाता है ठीक है, पहले ए पे बैठेगा फिर पी पे शिफ्ट होगा
और फिर पेप्टाइड बॉन्ड के साथ ऐसे जोड़ जाएगा, तो इससे ना बहुत लंबी चेन बन जाती है प्रोटीन की जो आपको देखने के लिए मिलती है। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये आपको पूरी चीज लिख के भी आनी है, मैंने सिर्फ आपको डायग्रामेटिकली बता दिए कि ये बट ये आपको पूरी चीज लिख के आनी है कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे होती है। यहाँ पे पूरा ये हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से बता के आना है, ठीक है। एनसीईआरटी में दे रखी है थ्योरी और इतनी मैंने समझा दी, बस वही लिख के आनी है और कुछ ज्यादा नहीं लिख के आना। अब हम बात करें जीन एक्सप्रेशन की, तो देखो अभी तक हमने क्या देखा है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं आपके फ्रांसिस क्रिक की, तो एक सेंट्रल डॉगमा देखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें बीडल और टेगमम की हाइपोथीसिस की, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने दिया वन जीन वन एंजाइम हाइपोथीसिस, ठीक है। इसे हम वन जीन वन एंजाइम हाइपोथीसिस भी बोलते हैं, जिसपे उन्होंने काम करा न्यूरोस्पोरा क्रासा पे, ठीक है। न्यूरोस्पोरा के रास्ता पे वर्क करा था उन्होंने। उन्होंने बोला कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, इट इज नोन एज रेप्लिकेशन, ओके, एग्जैक्ट कॉपीज बन रही, ठीक है। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन उसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम कहाँ पढ़ेंगे, आपका रिट्रोवायरस में, ओके। जब हम एचआईवी पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, किससे, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, और इसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब पलटी वाली आपकी ट्रांसक्रिप्शन। जैसे डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, इट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ओके। अब यहाँ पे डीएनए क्या कैरी करते हैं, इंफॉर्मेशन, जिसके थ्रू आपके सारे ही प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है सेल में, और उसी के थ्रू हमारी जनरल एक्टिविटीज होती है। अब यहाँ पे कुछ हेरिडेटरी डिजीज है, जैसे कि आपका एलकैप्टोन यूरिया, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक यूरियन डिजीज, ठीक है। दूसरी आपकी एल्ब्यूनिज्म, जिसमें आपको देखने के लिए मिलती है आपकी मेलानाइन पिगमेंट। अब देखो एक चीज देख लो, देखो आपका एलकैप्टोन यूरिया क्या होता है, एलकैप्टोन यूरिया में क्या होता है, आपका जो यूरिन होता है ना, उसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, ठीक है। ये बच्चों में देखने के लिए मिलता है, बिल्कुल कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, ठीक है। फिनाइल कीटो यूरिया, फिनाइल कीटो यूरिया आपकी हेरिडेटरी डिजीज है, ये आप अच्छी तरीके से याद कर लो, मतलब ये आपको क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन लाइक आपको देखने के लिए मिलेगी हेरिडेटरी आगे, ठीक। फिर आपकी एल्ब्यूमिनिज्म, एल्ब्यूमिनिज्म में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, प्रेजेंस ऑफ मेलानाइन पिगमेंट। आपने कभी क्या देखा है, लाइक कोई कोई आपके लोग होते हैं जो बिल्कुल व्हाइट होते हैं, जिन्हें हम सूरजमुखी बोलते हैं, बिल्कुल व्हाइट, तो उन्हें क्या होता है आपका एल्बिनिज्म, बिल्कुल व्हाइट जो आपको देखने के लिए मिलते हैं, बिल्कुल व्हाइट, ठीक, तो उन्हें हम बोलते हैं एल्बिनिज्म, ठीक। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, ठीक, तो बिल्कुल व्हाइट, ठीक, उन्हें क्या, कौन सी डिजीज होती है, एल्बिनिज्म, ठीक। ये वाली चीज हमने देखनी थी अच्छी तरीके से, होगी वाली चीज एल्बिनिज्म के साथ खत्म हो गई। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा, आज हमने बहुत सारी प्रोसेस पढ़ी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, शेयर करिएगा इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट यानी कि थर्ड पार्ट में, जहाँ हम डीएनए की लाइक पूरी फिंगर प्रिंटिंग को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।